गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के दौरे के बारे में पीएम को जानकारी दी गई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात से भी उन्हें अवगत कराया गया। पीएम से मुलाकात के बाद गृह मंत्री ने आज शाम एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 11वीं पूर्व एशिया शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को लाओस पहुंचेंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में 10 सदस्य देशों और 18 पूर्व एशिया के राष्ट्र प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु द्विवेदी ने आज यूपीए के समय किसानों की दुर्दशा पर जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यूपीए सरकार में किसान कर्ज माफी योजना में घोटाला हुआ था, तो वहीं आज भाजपा शासित राज्यों में कृषि विकास दर बढ़ी है। कावेरी जल विवाद मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आज कावेरी होराता समिति ने दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या में बंद का आह्वान किया है। बंद को देखते हुए राज्य सरकार ने करीब 2400 पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। इस बीच कर्नाटक के मंत्री डी के शिव कुमार ने कहा है कि कावेरी मामले में विरोध के चलते मांड्या में स्कूल और कॉलेजों को 2 दिन के लिए बंद रखा गया है। प्रीति राठी तेजाब मामले में आज मुंबई के सत्र न्यायालय ने आरोपी अंकुर पनवर को दोषी करार दिया। अदालत कल अभियुक्त की सजा का ऐलान करेगी। 3 साल पहले हरियाणा की प्रीति राठी मुंबई आई थी, लेकिन स्टेशन पर उतरते ही अंकुर पनवर ने उनके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था। लगभग महीने भर अस्पताल में अपने जख्मों से जूझने के बाद प्रीति ने दम तोड़ दिया था। जम्मू कश्मीर में पुंछ सीमा पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर आज मोर्टार, दागे और छोटे हथियारों से गोलीबारी की। आधी रात के करीब 6 भारतीय सैन्य चौकियों पर बिना किसी उकसावे के अंधाधुंध गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी का भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि राज्य में उज्ज्वला योजना से 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर की सुविधा मिली है। उन्होंने राज्य में शुरू इस योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ओबामा ने लाओस में होने जा रहे आसियान शिखर सम्मेलन में फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेरे से मिलने से इनकार कर दिया है। दोनों नेताओं के बीच आज बैठक प्रस्तावित थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया के नवीनतम मिसाइल परीक्षण पर चर्चा के लिए एक गुप्त बैठक बुलाई गई है। इससे पहले भी उत्तर कोरिया कई बार संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की अवहेलना कर मिसाइल परीक्षण कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने मिसाइल परीक्षण को एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। ब्रिक्स फिल्म महोत्सव का आज समापन हो जाएगा। इस फिल्म महोत्सव को 2 सितंबर से आयोजित किया गया था। ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सांस्कृतिक मेल, फिल्म, गीत और नृत्य और खान पान की झलक इन फिल्मों में दिखाई गई। साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन के महिला वर्ग में शीर्ष वरीयता प्राप्त सेरेना विलियम्स ने रिकॉर्ड जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह सुनिश्चित कर ली है। सेरेना ने कजाकिस्तान की यारोस्लावा श्वेदेवा को सीधे सेट में मात दी। इस जीत के साथ ही सेरेना ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाली खिलाड़ी बन गई है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा यूएस ओपन के महिला युगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सानिया और उनकी चेक गणराज की जोड़ीदार बारबरा स्ट्रीकोवा की जोड़ी ने तीसरे दौर के मुकाबले में अमेरिका के निकोल गिब्स और जापान नाओ हिबिनो की जोड़ी को सीधे सेट में मात दी। 7वीं वरीयता प्राप्त सानिया और बारबरा ने मुकाबले को 6-4, 7-5 से अपने नाम किया। नवगठित बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव की तारीख 25 सितंबर तय की गई है। चुनाव मुंबई में होगा। बताया जा रहा है कि एडहॉक कमेटी ने चुनाव में शामिल होने के लिए भारतीय खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ और आईबा को खत भेजा है। गणेश पूजा का आज दूसरा दिन है। देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है ये पर्व। गणेश पूजा की सबसे ज्यादा रौनक महाराष्ट्र में, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेश पंडालों की स्थापना। जैन धर्म का विशेष पर्व पर्युषण आज से शुरू हो रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में जैन धर्म के अनुयायी व्रत, उपवास और विशेष पूजन कर आत्मचिंतन करते हैं।